नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि आज है 24 अप्रैल और आज के दिन कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आई है। पहली जानकारी जो निकल के आई है, ये जानकारी हालांकि हमारे पास परसों ही आ गई थी, लेकिन किसी कारणवश स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो आपको बताते चलें कि रीवा बिलासपुर जो ट्रेन चलती है, जो कि रीवा से बिलासपुर और बिलासपुर से रीवा तक चलती है, इस ट्रेन का जो विस्तार है वो बताया गया कि इस ट्रेन को दुर्ग या फिर नागपुर तक किया जाए। ये मांग बहुत पहले भी की गई थी, लेकिन सिर्फ भाषण दिया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। आपको बताते चले कि इस मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, उनके द्वारा ये मांग की गई है। वो जो पत्र उन्होंने भेजा है वो भी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। मांग की गई कि गाड़ी संख्या 18247 18248 रीवा बिलासपुर ट्रेन को मध्य प्रदेश के रीवा से छत्तीसगढ़ के दुर्ग तक विस्तार करने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के माननीय सांसदों एवं डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा प्रेषित किया गया था, किंतु बताया गया कि किंतु आपके पत्र दिनांक 7 फरवरी 2022 द्वारा अवगत कराया गया कि संचालन अधोर संरचना एवं अन्य कारणों से उक्त ट्रेन का विस्तार अभी संभव नहीं है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि भविष्य में विस्तार एवं संचालन संबंधी इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार किया जाएगा। पत्र के माध्यम से बताया गया कि मध्य प्रदेश राज्य के विंध्याचल स्थित जिला रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर से बड़ी मात्रा में कर्मचारीगण अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर, दुर्ग, बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में सेवारत थे, जो राज्य में ही कार्यरत हैं। आपसी रिश्तेदारी, व्यवसायिक, पर्यटन एवं धार्मिक चिकित्सा दायित्वों के लिए भी दोनों राज्यों के निवासियों का आना जाना बना रहता है। इसीलिए बताया गया कि आपसे नम्र निवेदन है कि विंध्याचल कल्याण समाज छत्तीसगढ़ की मांग अनुसार व्यापक जनहित में रीवा मध्य प्रदेश से बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग छत्तीसगढ़ होकर नागपुर महाराष्ट्र अथवा दुर्ग तक नई ट्रेन संचालन की अनुमति दी जाए। बताया गया कि रीवा बिलासपुर जो ट्रेन है, इसी ट्रेन को दुर्ग तक बढ़ाया जाए या फिर नागपुर तक बढ़ाया जाए। ये मांग राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जो कि भाजपा के हैं इस समय, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह जी, उनके द्वारा की गई है। आइए दिखाते हैं आपको उनके द्वारा भेजा गया पत्र। आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में हमारे यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है। नेटवर्क की भी बहुत सारी समस्या हो जाती है, बार बार लैग भी चली जाती है, जिस वजह से वीडियो में थोड़ी सी समस्या आती है। वीडियो बनाते समय शोर भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बारिश होती है और बारिश का शोर भी लगातार आता है। इस वजह से क्षमा चाहेंगे आप सभी से। आपको बताते चलें कि रीवा से बिलासपुर ट्रेन को दुर्ग तक विस्तार करने की जो मांग है, ये मांग बहुत पुरानी है। हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से पिछले 1.5-2 साल से लगातार मांग कर रहे हैं कि इस ट्रेन को दुर्ग तक बढ़ाया जाए। रीवा के जनप्रतिनिधियों के तरफ से भी मांग की गई थी कि रीवा बिलासपुर ट्रेन को अगर दुर्ग तक बढ़ाया जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। हमारे शहडोल की जो जनता है वो भी लगातार मांग कर रहे हैं कि रीवा बिलासपुर ट्रेन को दुर्ग तक बढ़ाया जाए, क्योंकि अब तो फिलहाल ये ट्रेन बिलासपुर भी नहीं जाएगी, अब ये ट्रेन रीवा से उसलापुर जाएगी और उसलापुर से रीवा आ जाएगी, और उसलापुर में ही ये ट्रेन काफ़ी लंबे समय तक खड़ी रहेगी। इस वजह से इस ट्रेन को उसलापुर से आगे बढ़ाकर दुर्ग तक कर देना चाहिए, ये जनहित में फैसला लिया जाए। अगर ऐसा होता है तो जनहित में फैसला होगा और यात्रियों के पक्ष में फैसला होना भी चाहिए, क्योंकि यात्री ही यात्रा करते हैं ट्रेन में, और यात्रियों को अगर सुविधा मिलती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है सरकार के लिए। तो हम भी रेल मंत्रालय से आग्रह करेंगे कि रीवा बिलासपुर जो ट्रेन है, इस ट्रेन को दुर्ग तक तो बढ़ाया जाए और इस ट्रेन को LHB कोच के साथ चलाया जाए, ताकि यात्रा करते समय यात्रियों का जो सफ़र रहे वो आरामदायक रहे। तो देखिए रेल मंत्रालय से क्या नतीजा निकल के आता है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी रीवा बिलासपुर ट्रेन के वीडियो के माध्यम से हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलता है अगली वीडियो में।
बाय बाय।